असम में जो उल्फा का एजिटेशन स्टार्ट हुआ था ये 1987 में स्टार्ट हुआ था, बाद में ये पूरा एजिटेशन में हिंसात्मक रूप ले लिया था। ये पूरा कालखंड में 4,500 इनोसेंट लोग मारा गया, 2,100 अल्फा का कैडर मारा गया, 700 हमारा CAPF असम पुलिस आर्मी का जवान ऑफिसर्स मारा गया और 2,100 जैसा लोग लापता है। और इससे भी नंबर बढ़ेगा जब मैं म्यांमार और बांग्लादेश का जंगल में भी जो मारा था अगर मैं उसको ऐड कर दूं तो 10,000 लोगों का हत्या हुआ या तो मृत्यु हुआ। और जो लोग मारा ये लोग भारतीय ही था, असमिया ही था, तो एक दुखद इतिहास था असम का। तो आज ये जो पीस अकॉर्ड हुआ इससे हम एक नया असम का कल्पना कर सकता हूं, एक विकसित असम, एक शांति में प्रतिष्ठित असम। तो आज का एकॉर्ड बहुत ही ऐतिहासिक है, कल्मिनेशन ऑफ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ऑफ मिलिटेंसी इन असम। तो आज का दिन एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नॉर्थ ईस्ट आउटरीच है इसका एक बहुत बड़ा कामयाबी है और मोदी जी का आशीर्वाद कारण ही यह संभव हुआ। गृहमंत्री अमित शाह जी ने जो एकदम डे टू डे नॉर्थ ईस्ट के लिए वो सोचते रहा, निरीक्षण करते रहा, उनका मार्गदर्शन में ये अकॉर्ड हुआ, मेरा लगता है इससे असम में स्थायी शांति आ जाएगा। देखिए ये अकॉर्ड हो या ना हो, हमें जो लोकसभा का सीट मिलना है वो तो हम मिलेगा, लेकिन मैं इस अकॉर्ड को पॉलिटिक्स का साथ जोड़ना नहीं चाहता हूँ। ये अकॉर्ड असम का अमन सायन के लिए है, तो हमें इस अकॉर्ड को नॉन पॉलिटिकली देखना चाहिए और इसको चुनाव का दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जी, उल्फा किया जाए तो कब तक ये जो पूरा क्लॉजेस जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम होगा, लेकिन मैं जाके ही इसको शुरू कर दूंगा। असम में जो भी अकॉर्ड हुआ उसका सारे अकॉर्ड का इम्प्लीमेंटेशन 100% हुआ है और इस अकॉर्ड का भी इम्प्लीमेंटेशन 100% हो जाएगा। जी, इसके साथ ही उन्होंने पीसी के दौरान क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव उनका ये कहना है। हाँ, वो समय में मनमोहन सिंह का जब सरकार था वही सरकार का समय, ये जो लीडर्स है उसका लीडर कोई लीडर्स अरेस्ट हुआ था उसी समय और वो लोग को बांग्लादेश से असम आया वो लोग, इसका बीच में सारे लीडर जो उपस्थित है। तो वो समय का ये था कि गिरफ्तार पहला बार बांग्लादेश में उसी समय वो लोग गिरफ्तार हुआ था।